नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग का स्वागत है राय जी का ढाबा डॉट कॉम में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ एकदम लजीज रेसिपी चिकन चिल्ली की। बहुत दोस्तों का रिक्वेस्ट है कि इसको बनाइए, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ चिकन चिल्ली की रेसिपी। नए साल के सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। चिकन चिल्ली दोस्तों बनाना बिल्कुल ही आसान है और खाने में इतना मज़ेदार है कि जितने भी चिकन की रेसिपी बनती है हमें सबसे बेहतरीन लगता है चिकन चिल्ली की रेसिपी। आप बोनलेस भी बना सकते हैं और बोन वाला ही बना सकते हैं, लेकिन पीस को छोटा छोटा कटवाना होता है। देखिए इस तरह से पीस कटवाएं। ये देखिए 2 किलो चिकन है और हमने ये बोनलेस कटवाया है और इसको हम बढ़िया से धो लेंगे। जिस तरह से मैं आपको चिकन चिल्ली बनाना बताया हूँ उस तरह से आप बनाएं, बहुत ही बेहतरीन चिकन चिल्ली बनता है। आपका पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए चिकन चिल्ली के लिए हम ये प्याज लिए हैं, 1 किलो के करीब प्याज है, और इस तरह से हम एक प्याज को 4 टुकड़ों में बांट देंगे और इस तरह से हम खोल लेंगे प्याजों को, जिस तरह से हम चिकन चिल्ली में डालते हैं इस तरह से खोल के डालते हैं। देखिए ऐसे ऐसे खोल के अब डालें। इधर हम शिमला मिर्च लाल वाला भी लिए हैं, पीला वाला भी लिए, हरा वाला भी लिए हैं। आपके पास जो भी शिमला मिर्च अवेलेबल है वो सब ठीक है, आपके पास खाली हरा है तो हरा ही चलेगा, अगर लाल पीला है तो भी कोई बात नहीं है, जो भी हो इसमें ये कम ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। चिकन चिल्ली बनाना बिल्कुल ही आसान है। ये देखिए इस तरह से हम शिमला मिर्च को काट देंगे और इसका सारा बीज हम निकाल देंगे ऐसे। अब इसका भी हम क्यूब काट देंगे ऐसे, इसको भी 4 टुकड़ा में कर दिया हमने ऐसे, और फिर इसका भी छोटा छोटा टुकड़ा कर दें, 2 3 जो भी आपको थोड़ा छोटा रखते हैं तो उसमें मसाले बढ़िया से लगते हैं और पकते भी हैं बढ़िया से, ज़्यादा बड़ा बड़ा फिर वैसे ही रह जाता है और बच्चे बड़े को खाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, तो इस वजह से छोटा छोटा ही आप काट दें तो और बढ़िया है। इसी तरह हम इस शिमला मिर्च को भी काट देंगे, पीले वाले को भी, इसका बीज निकाल देंगे और इसका भी 4 टुकड़ा कर दिए, 5 टुकड़ा कर दें, 4 कर दें, और इस तरह से पीस छोटा छोटा रखें ताकि बढ़िया से मसाले में पक जाए और खाने में बहुत मज़ेदार लगे। ये देखिए इसका जो ऊपर का हम रखते हैं उसको भी ऐसे करके आप तोड़ के लगा दीजिए, इसको फेंकते नहीं है, इसको भी डाल देते हैं। बीज और डंठल को तो हम फेंक देते हैं, डंठल इसका निकलता नहीं है लाल वाले का, तो इसका हम क्या करते हैं कि ऐसे काट काट के निकाल देते हैं और हरे वाले का डंठल निकल जाता है। इस तरह से इसका भी काम आ जाता है। देखिए इसको भी इस तरह से आप काट के इसमें डालें ज़रूर, ये वेस्ट नहीं है, ये बढ़िया लगता है खाने में। इस तरह से हम सारा शिमला मिर्च काट दिए हैं, इधर ये बीज वेस्ट है हमारा, इसको हम फेंक देंगे। और देखिए हमने काली मिर्च, ये 15 20 काली मिर्च को हम दरदरा कूट दिए हैं, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट दिए हैं, ये अरारोट है, ये मैदा है 1 कटोरी दिए हम, 2 किलो चिकन चिल्ली है, और यहीं पे हम दिए हैं स्वाद अनुसार नमक, और एक कलर है रेड ऑरेंज कलर, और यहीं पे हम ये 6 अंडे दिए हैं और 2 किलो चिकन दिए हैं। इसको पहले हम मैरिनेट करेंगे। देखिए यहाँ पे किचन किंग भी दिए हैं इसमें डालने के लिए, इसको हम मैरिनेट करेंगे। विनेगर भी है साथ में। देखिए एक पतीला दिए हैं, पतीला में 2 किलो हम चिकन चिली दिए हैं उसको डाल दिए हैं, और यहीं पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट जो 1 बड़ा चम्मच दिए थे वो इसी में हम डाल दिए हैं, और यहीं पे एक एक ढक्कन है हमने, ये छोटा छोटा 2 ढक्कन हमने विनेगर डाल दिया है इसमें। विनेगर का मतलब है नींबू, अगर आप विनेगर नहीं है तो आप एक नींबू भी डाल सकते हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं पर थोड़ा सा नमक डाल के इसको हम मिला देते हैं। और इसको हम थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं, 10 मिनट के लिए मात्र, और 10 मिनट के बाद हम इसको ढक्कन हटाते हैं। इसी में हम डाल देते हैं 1 कटोरी अरारोट है और 1 कटोरी मैदा है। ये आप चाहें तो एक भी सामान डाल सकते हैं इसमें,
अब चाहें तो एक कटोरी खाली अरारोट डाल के ही बना सकते हैं, और यहीं पे लगभग 2 इंच के करीब रेड और ऑरेंज का रंग हम डाल दिए हैं, और काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिए हैं जो हमने कूट के रखा था। यहीं पे 6 अंडा हम इसको फोड़ के हम डाल देते हैं यहाँ पे, मतलब 1 किलो में हम 3 अंडा डालेंगे। आप 2 किलो में 6-8 भी अंडा डाल सकते हैं, अंडा एक आधा कम ज़्यादा चलेगा। और आप मैदा नहीं भी डाल सकते हैं, खाली अरा रोट का ही बना सकते हैं। और इसको बढ़िया सा हम सबको मिला देंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्चा भी डाल देते हैं, और किचन किंग 1 चम्मच डालते हैं, और इसको बढ़िया से मिला देंगे। पानी इसमें ज़्यादा दोस्तों डालना नहीं होता है, देखिए हम 1 चम्मच पानी मात्र डाले हैं इसमें। आपको पानी का ज़्यादा ज़रूरत हो तो बाद में ही आप डालें ना, क्योंकि हम नमक डालने के बाद पानी अगर छोड़ने का चांस आपको लगता है छोड़ देगा पानी, नहीं छोड़ता है पानी तो आप नमक आप मतलब इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए हमने एक कढ़ाई दिया है, उसमें एक लीटर तेल डाल दिया है, और इसी में गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रहेगा, और एक एक पकौड़े को हम उठा उठा के मसाले के साथ जो भी आपने मसाला डाला है एक तरफ से आप उठाएंगे, ताकि इसका मसाले भी जाए और उसका एक एक पीस भी जाए चिकन का। गैस का फ्लेम मीडियम रहेगा। आप थोड़ा सा कलर का जो हमने रेड और ऑरेंज कलर इसमें डाला है, अब चाहें तो इसमें थोड़ा सा बढ़ा के भी डाल सकते हैं, और भी थोड़ा कलर आ जाता है तो बढ़िया लगता है, चिकन चिल्ली का पीस बढ़िया लगता है। और इसको मात्र डालने के बाद डालने तक 5 मिनट इसको रखें कढ़ाई में, इसको छान छान के निकाल लें इधर। इसी तरह से हम सारा चिकन चिल्ली को फ्राई करके निकाल देंगे। आपका पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी आप कमेंट्स करते हैं उसको हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसका वीडियो हम अपलोड करें। जो भी आप करेंगे उसको भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वीडियो उसका अपलोड करें। ये देखिए हमने इसमें 1 कटोरी अरारोट लिया है, और उसमें 1 कटोरी उतना ही पानी डाल के हम इसका ग्रेवी तैयार कर रहे हैं उसी बर्तन में जिसमें हमने चिल्ली बनाया था। और यहीं पे लगभग 2-3 पिंच के करीब हम इसमें डाल देते हैं ऑरेंज रेड कलर, और इसी पतीलों को हम साफ़ भी करते रहेंगे इसी पानी से साफ करके। जो इसका मसाला है वो हम उसे ग्रेवी के लिए डालेंगे। और उधर हमने चिल्ली तो फ्राई कर दिया है, अब प्याज को फ्राई कर रहे हैं हम। ये थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करना है, क्योंकि प्याज तो उसमें क्रंची हमें खाने में मज़ा आता है, तो हल्का सा डालें और 2 मिनट में ही इसको निकाल दें, क्योंकि जो चिकन चिल्ली में होता है प्याज क्रंची ही मज़ा आता है खाने का। इस तरह से आप बनाएं चिकन चिल्ली, बहुत ही बेहतरीन बनता है। और इसी में हम हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, सारे शिमला मिर्च को 2-2 मिनट के लिए सबको हम फ्राई कर करके निकाल देंगे। दोस्तों अभी मैं 1 महीना पहले गांव गया था, तो वहाँ पे मैं बच्चों के लिए एक चैनल बनाया हूँ, जिसमें इसके बाद मैं उसमें बुज़ुर्ग आदमियों को भी इंक्लूड करूँगा, अगर आप लोग का ऐसी सहयोग बना रहा तो। उस चैनल का नाम है दादाजी विलेज फूड, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हम उसमें बच्चों को नाश्ता कराते हैं शाम को, आगे बुज़ुर्गों को भी कराने की कोशिश करेंगे अगर आप लोग का सहयोग रहा तो। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर ये हमारी चिकन चिल्ली की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसको भी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ये देखिए हम इसमें से जो हम प्याज हमने 1 किलो छील रखा था उसमें से थोड़ा सा प्याज हम निकाल दिए हैं, और इसमें थोड़ा विनेगर डालते हैं सलाद के लिए, और हल्का सा ये नमक डाले हैं इसमें, और इसको ऐसे टॉस कर दें, और टॉस करने के बाद इसको रख दें। अब जो जो खाएगा चिकन चिल्ली उसके लिए हम निकाल के रखे हैं। इधर देखिए
धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्च है, अदरक लहसुन है और दही है, और यहीं पे थोड़ा सा चाट मसाला है। इस सारे को हम साफ कर देंगे, बढ़िया से काट देंगे सबको, और इसकी हम चटनी बनाएंगे, चिकन चिली की चटनी। इसके साथ चटनी आती है दही वाली, बहुत ही मज़ा आता है चिकन चिली उसके साथ खाने का। ये देखिए हम जड़ काट दिए हैं, और इसको भी ऐसे ही काट देंगे। आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप पत्ता पत्ता भी छांट के, और मुलायम मुलायम टहनी को भी छांट, मुलायम मुलायम टहनी को ही रख के आप पीस सकते हैं। ये चटनी बहुत मज़ेदार आता है। ऐसे ही लहसुन को भी छील के काट देंगे, अदरक को भी काट देंगे, और बढ़िया ना सबको धो लेंगे। धोने के बाद मिक्सी जार में हम डाल देंगे। बनाना बिल्कुल आसान है ये चटनी भी और चिकन चिल्ली भी। मेरे तरीक़े से बनाएं चटनी भी, सलाद भी, और खाएं, बड़े मज़ेदार, खाने में बहुत मज़ा आता है। एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा इस तरह से। देखिए हमने सारा कुछ काट दिया है, अदरक लहसुन धनिया पुदीना, और इसको धो के हम जार में डाल देंगे, और इसकी चटनी हम बनाएंगे। बहुत ही बेहतरीन चटनी बनती है। और इसी में हम दही डाल देते हैं ताकि मिक्सी में बढ़िया से मिल जाएगा। बहुत आसान है इसकी चटनी भी बनाना और चिकन चिली भी बनाना। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। देखिए इसी में हम चाट मसाला डाल दिए हैं कि आपका चटनी सलाद कैसा बना और चिकन चिली कैसा बना। ये देखिए हमने अदरक और लहसुन को बारीक बारीक काट दिया है। अब कढ़ाई में हम लगभग ये आधा किलो के करीब तेल बचा हुआ था फ्राई करने के बाद, तो उसी में हमने अदरक और लहसुन बारीक बारीक काटा हुआ 100 100 ग्राम इसमें हमने डाल दिया, और इसको हम बढ़िया से भून देंगे। क्योंकि जितनी चिल्ली की आइटम ही होती हैं, आइटम जितना ही बनता है। ये देखिए ग्रीन चिल्ली है, ये टोमेटो केचप है, ये विनेगर है, ये रेड चिल्ली है, और ये सोया सॉस है। बड़े हमारे दोस्त बोल रहे थे कि आप अजीनो मोटो डालते हो, तो हम बिल्कुल ही नहीं डालेंगे अजीना मोटो। ये देखिए हम अभी डालें इसमें सोया सॉस, एक ढक्कन, एक ढक्कन से ज़्यादा हम विनेगर डाल दिए। ये देखिए ग्रीन चिल्ली, ये ग्रीन चिल्ली हम 4 ढक्कन डालेंगे। और यहीं पे हम डाल रहे हैं रेड चिल्ली, ये 2 ढक्कन हमने डाल दिया आपको रेड चिल्ली भी इसमें। और चाहे तो आप, ये चाहे तो आप और भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और देखिए यहीं पे हम काली मिर्च कुटी हुई रखे थे 15, वो डाले हैं। और यहीं पे जो हमने पतीला साफ़ करके और थोड़ा सा अरारोट घोल के इसमें डाला था, थोड़ा कलर डाल के उसको इसी में हम डाल देते हैं। चिकन चिली 2 तरह से बनता है, एक तो बिल्कुल कम ग्रेवी वाली मतलब सूखी, और एक ग्रेवी वाली। ये देखिए हमने सारा शिमला मिर्च प्याज जो भुना था वो भी डाल दिया है, और जो चिली हमने फ्राई करके रखा था उसको भी इसी में डाल दें। अब गैस का फ्लेम तेज कर देंगे। ये आपका कलर अगर ऐसा है तो थोड़ा सा आप इसमें, और यहीं पर स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। रेड ऑरेंज कलर जो हमने डाला था वो इसमें डाल सकते हैं, या देगी मिर्च की मात्रा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अगर देगी मिर्च डालें तो आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अगर देगी मिर्च भी डाल के आप कलर थोड़ा बना सकते हैं, रेड ऑरेंज कलर भी डाल के आप कलर बना सकते हैं, क्योंकि अभी देखने में लग रहा है फीका फीका थोड़ा सा कलर। और देखिए हमने इस तरह से थोड़ा हरी मिर्च काट के डाला है गार्निशिंग के लिए, और खाने में भी चटपटा हो जाएगा। ये देखिए हमारा चिकन चिली बन के तैयार हो गया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। तो फिर हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कैसा लगा भैया चिकन चिल्ली आपको आज का? एक नंबर का, एक नंबर का। अरे वाह, चलो।
चलो भाई दोस्तों मजा आने वाला है लाला जी के ढाबे पर। दोस्त भैया चटनी कैसी है? चटनी भी एक नंबर चटनी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार बना। क्या बात है। देखिए दोस्तों लाला जी का बनाया हुआ सारे जितने भी लाला जी का फ्रेंड है बहुत ही पसंद आता है, तो आप लोग भी एक बार तो बनता है यहाँ पे आके खाना। गर्मा गर्म चिकन चिली का लुत्फ उठाए, वाह। ये तो बात सही बोले, रेस्टोरेंट में पैसा ज्यादा लगता है और पैसा भी रेस्टोरेंट में नहीं मिल सकता है। वो टमाटो केचप होता है जो इसमें डालता है, केचप डालता है इसमें। केचप में क्या क्या? अरे केचप, टमाटो केचप तो मार्केट में आपको आसान से मिल जाता है। बाकी आप लाला जी की पूरी वीडियो देखिए, सब कुछ मिलेगा, कितनी देर पकाना है, कैसे पकाना है, क्या क्या हम डालते हैं वो लाला जी के ढाबे पर। लाला जी के ढाबे वाले चैनल पर देखिए तो सब मिलेगा। वैसे हम एक एक चीज बताएंगे तो ये घंटा लग जाएगा बताने में। चैनल बना रखा है आपने? और कैसे लगा आपको? बढ़िया लगा। अरे वाह, अरे वाह भाई वाह। भैया कैसा लग रहा है चिकन चिल्ली? बहुत टेस्टी यार। दोस्तों ने पहली दो लोगों ने बता दिया एकदम एक नंबर लग रहा है ये देखो भाई। और भैया कैसा लगा चिकन चिल्ली? बहुत मस्त। और भी आपको मस्त? भैया मस्त। ओ भाई साहब मजा आ गया आज तो। भाई देखो लाइन से चिकन चिल्ली बिक रही है बस। ये देखो भाई। मैडम आपको कैसा लगा? एक नंबर, दोबारा फिर तो पक्का कल, कल नहीं परसों। भाई आ गए, ये देखो चिकन चिल्ली लवर्स आ गए भाई सारे। कैसा बना है भैया? बहुत बढ़िया बना, बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू भैया। अरे रोटी तो दो। देखो भाई रोटी का लड़ाई है भाई यार। अरे इधर ओए ओए, सही बना, सही बना यार एकदम।